बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो ये वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कर्मा आईटी हब के इंटेल प्रोसेसर्स के प्राइजेस। और ये वीडियो में हम लोग पूरा देखने वाले कि इंटेल प्रोसेसर्स के 12 जेन 11 जेन 10 जेन के क्या प्राइजेस चालू है। मैं आपको ए टू जेड प्रोसेसर्स ये वीडियो में कवर करूंगा। पर गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए आपके लिए कंटेंट्स लेके आता रहूंगा, नए नए पेरिफेरल्स के ऊपर वीडियो लेके आता रहूंगा, प्लस मैं नए नए पीसीबी के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो अभी चालू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि कर्मा आईटी हब पे इंटेल प्रोसेसर्स के क्या प्राइसिंग चालू है। पर उससे पहले अगर आपको एक गेमिंग और एडिटिंग पीसी बाय करना है तो आप ये वेबसाइट जरूर विजिट कीजिए, जो है techpc7.in, जो मेरे फ्रेंड आदित्य भाटी की वेबसाइट है। और आप देख सकते हो इस पे आप कस्टम पीसी भी बिल्ड कर सकते हो, प्री बिल्ड पीसी भी बिल्ड कर सकते हो, प्लस आपको अगर सिंगल प्रोडक्ट बाय करना रहेगा तो सिंगल प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। ग्राफिक कार्ड के बहुत सारे वैरायटीज है वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप एक बार ये वेबसाइट चेक कीजिए। और टॉकिंग अबाउट प्री बिल्ड और कस्टम बिल्ड पीसी में आपको जो भी कंपोनेंट चाहिए वो कंपोनेंट इधर सिलेक्ट करके आप आपका एक कस्टम पीसी बिल्ड कर सकते हो। और टॉकिंग अबाउट प्री बिल्ड पीसी में आपके बजट के अकॉर्डिंग आप इधर जो प्री बिल्ड पीसीज अवेलेबल है वो प्री बिल्ड पीसीज आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप एक बार जरूर ये वेबसाइट चेक कीजिए, जो है techpc7.in, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जरूर ये वेबसाइट को चेक कीजिए। प्रतीक भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंटेल के प्रोसेसर्स के ऊपर, इंटेल के 12 जनरेशन 11 जनरेशन और 10 जनरेशन प्रोसेसर्स में हम लोग देखेंगे। तो अभी इंटेल के 12 जनरेशन का स्टेट कैसा है मार्केट में? सो एज ऑफ नाउ, राइट नाउ भी हमारे पास इंटेल का i9 का सेटअप, i9 का प्रोसेसर मिल जाएगा 12900K। इसके अलावा फिर आप देखोगे तो हमारे पास i7 में भी 12700KF है और इंटेल में i9 में भी है 12900KF। ये तीन सीरीज अवेलेबल है। इसके अलावा कोर i5 सीरीज भी है जो इन शिपमेंट है, जो आने में है, वो भी आपको मिल जाएगी। अभी प्राइसिंग की बात करता हूँ, स्टार्ट करूंगा कोर i7 12700KF से। इसका कॉस्टिंग आपको ज्यादा 37,500 ऑल इंक्लूसिव। अगर DDR5 सीरीज के बोर्ड्स लेने हैं, अभी ही DDR5 की रैम्स मिलेगी, कॉम्बो मिलेगी। आप समझते हो कि अगर खाली प्रोसेसर लोगे और रैम अलग से तो DDR5 नॉट अवेलेबल, कॉम्बो लेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। खैर एनीवे, इसके बाद में प्राइस दूंगा आपको 12900KF की, तो दिस इज फॉर 61,500 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। इसके बाद बताऊंगा आपको कोर i9 का जो टॉप एंड सेगमेंट में जो मैक्स आउट है, दिस इज कोर i9 12900K, इसकी कॉस्टिंग आपको जाती है 66,500 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो प्रदीप भाई, ये जो प्रोसेसर्स है 12 जनरेशन के, ये एस एस सिंगल अभी मार्केट में कोई सेल आउट नहीं कर रहा है, मतलब प्रोसेसर्स के साथ मदरबोर्ड DDR5 ये कॉम्बो लेना ही पड़ेगा। कंसेप्ट जो है वो प्रोसेसर का इतना नहीं है, वो रैम्स का है। अगर आपको DDR5 सीरीज में जाना है तो इतना ध्यान रखना आपको बोर्ड और प्रोसेसर भी लेना है। आपको सिंगल सीपीयू शायद आपको कहीं मिल जाए 5,000 ऊपर में, सिंगल मदरबोर्ड मिल जाएगा सेम कॉस्टिंग में, लेकिन प्रॉब्लम है कि मेमोरीज मार्केट में DDR5 इतनी अवेलेबल नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि DDR5 सीरीज लेना है तो तीनों चीज एक साथ लोगे तो सस्ता भी पड़ेगा और मिल भी जाएगा, अवेलेबल होगा। एक सेम क्लाइंट मेरे साथ अभी हुआ, उन्होंने मदरबोर्ड ऑनलाइन ले लिया, सीपीयू और रैम मुझसे लेना चाहते थे DDR5, बट यही चक्कर में दे नहीं पाया क्योंकि मेरे पास रैम जितनी अवेलेबल है जितने मेरे पास मदरबोर्ड अवेलेबल है। ओके, तो ये हो गए 12 जनरेशन के ऊपर। तो अभी आते हैं 11 और 10 जनरेशन में, उनका भी देखते हैं कि क्या प्राइसिंग है। अभी आते हैं 11 जनरेशन के ऊपर। 11 जनरेशन में, जैसे कि अभी 12 जनरेशन लॉन्च हुआ है, तो 11 जन में हम लोग को प्राइस ड्रॉप एक्सपीरियंस हुआ है अभी के टाइम पे? i5 में बोल सकते हो, i7 में इतना कुछ खास देखने नहीं मिलेगा। एनीवे प्राइस आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, अभी ये है कोर i5 11500, ये आपको आता है 17,000 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा दैट इज कोर i5 11400F, यानी कि आपको ग्राफिक कार्ड अलग से डालना है इस चीज में, 11400F, इस चीज की आपको कॉस्टिंग जाएगी दैट इज 13,400 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको कोर i5 में 11600KF करके है, सो 11600KF ही आएगा, 18,500 ऑल इंक्लूसिव। अगेन इसमें ग्राफिक कार्ड अलग से आपको डालना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके बाद मैं दिखा सकता हूँ आपको कोर i7 का 11700F, ये आता है आपको 25,700 25,700 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। उसके बाद आप सीपीयू देखेंगे तो दिस इज कोर i7 11700K, ये आता है आपको 28,500 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस अलॉन्ग विथ तो टोटल सेटअप। अगर जाते हो तो सिंगल सीपीयू याद रखिए आपको थोड़ा 1,500 रुपये आपको गैप आएगा ही आएगा। एनीवे, इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ i9 का 11900F, कोर i9 11900F की कॉस्टिंग जाएगी आपको 35,000 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। और उसके बाद एक लास्ट सीपीयू आपका बचता है 11 जन में, दैट इज 11900K। अभी इसकी कॉस्टिंग अगर आप देखोगे तो फिर ये आपको जाएगा 42,500 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ओके, तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ 11 जेन का अभी तक शॉर्टेज तो नहीं है, क्योंकि 12 जेन आए हैं,
12 जेन का जरा शॉर्टेज दिख रहा है मार्केट में। सीपीयू शॉर्टेज आप इतना नहीं बोल सकते हो, बट यही प्राइस का पूरा थिंग है, प्राइस के हिसाब से सब चल रहा है, बट इतना कोई शॉर्टेज इंटेल में अब तक दिखा नहीं है, मे भी बोल नहीं सकते क्योंकि अभी जो 12 जेन की जो प्राइसिंग है वो काफी ऊपर है, ये गिरने चाहिए क्योंकि एक्चुअली इसका कॉस्टिंग ये नहीं होना। ओके, तो कब तक गिर सकते, कुछ आइडिया है? नहीं, प्राइसिंग का कोई चीज का कोई आपको एस्टिमेशन दे नहीं सकता, आपके सब्सक्राइब ग्रुप तक जाएगा वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा दिक्कत है कि वो एक्सपेक्टेशन रखेंगे और फिर वो नहीं हुआ तो दिक्कत ही है। ओके, तो ये हो गया 11 जेन का, तो अभी आते हैं 10 जेन में, 10 जेन का देखते हैं कि क्या प्राइसिंग है। तो अभी आते हैं 10 जनरेशन के ऊपर, 10 जनरेशन का भी कैसा मार्केट चल रहा है और क्या प्राइसिंग है 10 जेन के? इंटेल का यार इतना अभी सेल्स इतना हम लोग भी देख नहीं रहे, बट लेने वाले इंटेल ठीक ही ले रहे हैं। अभी 10 जेन में मेरे पास जो सेगमेंट पड़े हुए हैं वो देखेंगे, 10105 करके इंटेल का i3 CPU आएगा आपको, ये ऑनबोर्ड ग्राफिक्स के साथ है, जैसे कि आप AMD की APUs 3200G उसके कंपेरेटिवली अगर जाना तो ये सारी सीरीज के साथ जा सकते हो। उसका मॉडल आप देख सकते हो ध्यान से, 10105, दिस इज फॉर 10400 ऑल इंक्लूसिव। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इंटेल का कोर i3 10100F, जिसको अलग से ग्राफिक कार्ड होना, मतलब जिसके पास रेडी है ग्राफिक कार्ड 2GB 4GB, वो ये प्रोसेसर के साथ जा सकते हैं प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। सो दिस इज 10100F सीरीज का प्रोसेसर है, तो इसकी कॉस्टिंग आपको जाती है 7000 ऑल इंक्लूसिव। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कोर i5 का 10400F, 10400F इसका कॉस्टिंग जाएगा 12300 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। उसके बाद फिर CPU आता है 10400 प्लेन, जिसमें आपको ऑनबोर्ड ग्राफिक्स आया है इंटेल का, इसकी कॉस्टिंग जाएगी 14500 ऑल इंक्लूसिव। इसके बाद आपको दूंगा i7 10700F की कॉस्टिंग आएगी आपको 23000 ऑल इंक्लूसिव। उसके बाद फिर आप देखेंगे इंटेल का कोर i9 10900KF, ये भी आपका ओवरक्लॉकिंग वाला जो सीरीज है उसके अंदर का ही है, लेकिन ये भी एफ है तो इसमें अलग से आपको ग्राफिक कार्ड लगेगा, और इसकी जो कॉस्टिंग आएगी दैट इज 41500 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। इसके बाद फिर मैं आपको एक दिखाऊंगा इंटेल का i9 Extreme, ये कोर i9 Extreme है 10980XE, इसकी कॉस्टिंग जाती है 88500 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ओके, तो अभी AMD के कैसे, AMD का प्राइसेस जरा अभी हाइक बड़ा है, पर इंटेल अभी हम लोग ले सकते हैं क्या? एज ऑफ नाउ हाँ 100% आप इंटेल में जा सकते हो, प्राइस के हिसाब से कंपेयर करोगे तो आपको काफी अच्छी रेंज मिल जाएगी। जैसे कि आप राइजन में 5700G सीरीज भी जाने की सोचते हो, वो जाता है तकरीबन आपको 29500 ऑल इंक्लूसिव। उसी जगह पे आप जा सकते हो कोर i7 10th जनरेशन अलॉन्ग विद अ गुड ग्राफिक कार्ड, थोड़ा बजट बढ़ता है बट वही ग्राफिक्स आपको मिल जाता है, वो चीज है। ओके, थैंक यू सो मच प्रतिभा, ये था इस पूरा इंटेल का वीडियो, आई होप कोई वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम ट्रू गाइस। अगर आपको कर्मा आईटी हब के राइजन प्रोसेसर का वीडियो देखना रहेगा तो वो लेफ्ट साइड में है, और अगर आपको उनके पीसी बिल्ड्स का प्लेलिस्ट देखना रहेगा तो राइट साइड में, तो जरूर देखना।